10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज के परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिनांक 4 से 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ वीक यानी मानसिक स्वास्थ्य कोविड के दौरान और कोविड के बाद की स्थितियों ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावित किया है। बच्चे और बुजुर्ग पिछले 2 सालों से घर में बैठे हैं। युवा न जाने कितने युवाओं ने अपनों को खोया है, न जाने कितने युवाओं की नौकरी चली गई है और न जाने कितने लोगों ने अपने आप को खत्म कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि मानसिक रूप से हम सब प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से बच्चे परिस्थितियों से एडजस्ट कर रहे हैं। बच्चों के दिल में क्या चल रहा है घर बैठे बैठे माता पिता को पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस मोबाइल से दूर रहने की हम उन्हें सलाह देते थे, आज वही मोबाइल उनकी जरूरत बन गया है। शिक्षक जो बच्चों के साथ रहकर उनकी कमजोरियों और उनकी ताकतों को पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को बताते थे, वे आज केवल अंक बताकर रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की इन परिस्थितियों में शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक वेबिनार का आयोजन किया है जिसका विषय है अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग फॉर सेल्फ। निश्चित रूप से यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। आप इसे गूगल मीट के अलावा यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री नीलेश शिंदे सर को, जो संसाधक के रूप में निपसिट से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि सर अपना कार्यक्रम शुरू करें, मैं सर के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आपने अप्लाइड साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वर्तमान में आप निपसिट रीजनल सेंटर इंदौर में एक फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। साथ ही आप चाइल्ड गाइडेंस सेंटर के इंचार्ज भी हैं और अभी तक आपने शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए करीब 100 से भी ज़्यादा वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री नीलेश शिंदे सर को आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ मैं सर आपका स्वागत भी करती हूँ पूरे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 परिवार की ओर से, श्री नीलेश शिंदे सर। थैंक यू शोभा प्रजापति मैडम, और साथ ही मैं नीला मालवीय मैडम जी का भी सहदिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस मनोदर्पण कार्यक्रम के अंदर ये मेरा सेशन का आयोजन किया है। और साथ ही हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदया डॉक्टर तेजिंदर कौर जी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और क्योंकि उनके मार्गदर्शन में मैं आपके साथ आज रूबरू होने वाला हूँ, और साथ ही सभी अभिभावक और बच्चे, इनका भी हम खास करके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आज उन्होंने उनका कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। तो सभी को मेरा नमस्कार, और यह बहुत खुशी की बात है कि आज पूरे विश्व में यह हफ्ता जो है विश्व मानसिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और पूरे विश्व में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो इतना महत्व हम देते हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिन मनाने की क्या आवश्यकता है। तो आज का अपना रूबरू होने का उद्देश्य यही है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और थोड़ा सा ज्यादा अपना परिचय बढ़ाएं। तो हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जब मनाया जाता है तो उसका कुछ विषय होता है, और इस साल जब 2021 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है तो इसका मुख्य विषय उन्होंने रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने,
कि मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। इसका मतलब ये कि मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं जो है, मानसिक स्वास्थ्य ये जो विषय है, ये हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और हर किसी तक इसकी सेवाएं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जैसे शोभा प्रजापति मैडम ने कहा कि गए 2 साल से हम COVID-19 पैंडेमिक की मार झेल रहे हैं, और COVID-19 ऐसा है कि हर कोई इस पैंडेमिक से, इस बीमारी से प्रभावित हुआ है। वैसा देखा जाए तो ये बच्चों की इतनी बीमारी है नहीं, आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत ज्यादा इसका परसेंटेज है नहीं, या कोई बहुत बड़ी मृत्यु की घटनाएं दर्ज नहीं हुई, लेकिन बच्चे भी इस कोविड पैंडेमिक से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित कैसे हुए? बच्चे की जिंदगी में स्कूल का सबसे बड़ा महत्व होता है। ये कहा जाता है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में स्कूल बहुत बड़ी भूमिका मनाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गए 2 साल से स्कूल्स बंद है, शारीरिक रूप से वो स्कूल नहीं आ पा रहे। ऑनलाइन स्कूल कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से दोस्तों से मिलना, शारीरिक रूप से शिक्षकों के साथ बात करना, स्कूल का हर वो लम्हा एंजॉय करना, कहीं ना कहीं बच्चे के जिंदगी में इस चीज ने परेशानी पैदा की। तो चलिए हम सब एक साथ आके क्यों ना ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का हिस्सा बने, और ये सेशन के माध्यम से हम वही चीज करने जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की सच में मनाने की जरूरत है क्या? तो इसके लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है? मैं सभी अभिभावक और जो बच्चे इस कार्यक्रम में हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस आंकड़े का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, और आप डरना भी नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो बात यह है कि ये आंकड़े आपको इस विषय का महत्व समझाएंगे, इसलिए मैं आपको पेश करने जा रहा हूं, ठीक है? तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तो शोभा प्रजापति मैडम ने कहा, लेकिन मैं जो आंकड़े आपको बताऊंगा, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो आप ध्यान देके सुने, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी मानसिक स्वास्थ्य के दूत बनके ये जानकारी अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक पहुंचाए। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, कि हर 4 में से एक व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक समस्या का शिकार होता है कभी ना कभी अपने जिंदगी। आप समझ सकते हैं 4 में से एक व्यक्ति, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अब जैसे हम कोविड पैंडेमिक का खतरा झेल रहे हैं, और सभी जगह आज की तारीख में स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बोझ कौन सा है, तो वह है कोविड पैंडेमिक का, सरकार के खजाने पे भी उसका असर हो रहा है। ठीक उसी तरह यह कहा गया है कि 2030 में, जिस तरीके से अभी कोविड पैंडेमिक की दिक्कतें चल रही है, 2030 में डिप्रेशन नाम की बीमारी होगी जो सबसे बड़ा रोगों का बोझ डालेगा। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि 2021 में ही हम जाग गए हैं, हम मानसिक स्वास्थ्य को अपना रहे हैं। तो 2030 में डिप्रेशन की सबसे बड़ी बीमारी उभर के आने वाली है। तो हम सबको कोशिश करना है कि इस दुनिया से ये जो 2030 का डिप्रेशन का खतरा है, इसको हम कम से कम करें, ठीक है? दुख की बात यह है कि विश्व भर में हर 4 में से 3 लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की कुछ भी सेवा नहीं मिलती, कुछ भी मदद नहीं मिलती। क्यों? आज भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोग उतना अवेयर नहीं है, लोगों में उतनी जानकारी नहीं है। और ये देखा गया है कि जब मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, मानसिक बीमारी बहुत बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति का आयुष्य जो है, जीवन मान है, ये 10 से 20 साल कम होता है। तो 20 साल कम होने का खतरा बढ़ जाता है अगर किसी व्यक्ति को गंभीर मानसिक बीमारी है। हम बच्चों की बात करें
तो विश्व भर में 10 से 20% बच्चे और किशोरावस्था बच्चों में मानसिक समस्याएं देखी गई है। हर 5 में से 1 बच्चा, बच्चे की व्याख्या हम करते हैं 18 साल के नीचे सभी बच्चे ही कहलाते हैं, हर 5 में से 1 बच्चा मानसिक समस्या से गुजरता है। और आपके जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 2/3 हिस्सा जो है मानसिक बीमारियों का, ये 14 साल के पहले शुरू होता है, यानी 9वीं कक्षा के, 9वीं 10वीं कक्षा के पहले। तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इस उम्र में ही सभी बच्चों को मानसिक सहारा दे, सपोर्ट दे। और इसके पहले जरूरी क्या है, इस चीज का महत्व हम समझे, क्योंकि जब हम बड़े इस चीज का महत्व समझेंगे तो हम बच्चों को सही मायने में मदद कर पाएंगे। खुशी की बात यह है कि जिन बच्चों को मदद मिली है उसमें से 75% बच्चों को मदद स्कूल में से मिली है। तो देखिए स्कूल का महत्व बच्चे की जिंदगी में कितना ज्यादा है कि स्कूल में से उन बच्चों को मदद मिली है, क्योंकि स्कूल एक जगह ऐसी है जहां मैक्सिमम बच्चे आते हैं, उनके अभिभावकों तक हम पहुंच सकते हैं। और इनको मदद करने के लिए हमारे जो शिक्षक हैं वो भी क्वालिफाइड होते हैं, तो उनके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कि ये तो विश्व भर की परिस्थिति है, भारत की परिस्थिति? भारत की परिस्थिति मानसिक स्वास्थ्य में बहुत विश्व भर के परिस्थिति से अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ये देखा गया है करीबन 10% बच्चे जो है ये मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, और 13 से 17 की जो उम्र है उसमें करीबन 7.5% बच्चों को मानसिक समस्याएं पाई गई है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में भी मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं एक बहुत रोचक और मजेदार इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जनरली हमें लगता है कि शहर के बच्चों को हर चीज का एडवांटेज होता है, हर फैसिलिटी होती है, तो हो सकता है कि वो उनकी परिस्थिति अच्छी हो, लेकिन ये देखा गया है कि शहर के बच्चों में मानसिक समस्याओं का प्रमाण दुगना पाया गया है गांव के बच्चों के मुकाबले। तो ये चीज हमें बता रही है कि शहर के बच्चों के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। ये देखा गया है कि शहर के बच्चों में 13.5% मानसिक समस्याओं का प्रमाण है, और वही गांव के बच्चों में 7, यानी शहर के बच्चों में ये प्रमाण दुगना पाया गया है। अब अगर हम मानसिक समस्याओं की बात करें तो फिर बात आती है कि फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, एक्सपर्ट कितने अवेलेबल है। तो ये देखा गया है कि 1 लाख लोक संख्या पे एक या उससे कम साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, और उसमें भी ये देखा गया है कि केरला की हालत सबसे अच्छी है, परिस्थिति सबसे अच्छी है, और सबसे खराब परिस्थिति जो है मध्य प्रदेश की बताई गई है, क्योंकि वहां पे 1 लाख लोक संख्या पे एक साइकेट्रिस्ट भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से मेरा ये बताना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर 20 मिलियन किशोर बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं और 1 लाख पॉपुलेशन पे एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है, तो हमें हमारा दायित्व कितना बढ़ जाता है। अभिभावकों का दायित्व बढ़ता है, परिवार का दायित्व बढ़ता है, समाज का दायित्व बढ़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण स्कूल का दायित्व बढ़ता है। तो हमें इस मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से हमें जाग जाने की जरूरत है। मैंने फिर से मैं दोहराता हूं, मेरा उद्देश्य आपको आंकड़े दिखा के डराना नहीं है, पर जब तक आंकड़े पता नहीं चलेंगे हमें उस चीज का महत्व भी तो पता नहीं चलेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनकी संस्था है, और ये हर साल भारत में जो गुनाह होते हैं या आत्महत्याएं होती है इसका रिकॉर्ड रखते हैं। 2019 का आंकड़ा कहता है कि भारत में 1 लाख
मोटा मोटी 1,40,000 लोगों ने आत्महत्याएं या खुदकुशी की है। और बच्चों का आंकड़ा अगर हम ले 18 साल के नीचे, तो करीबन 9.5 से 10,000 बच्चों ने आत्महत्याएं की। आप समझ सकते हैं 10,000 बच्चों ने आत्महत्या करना, ये इस देश के लिए, उस परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान है। और इसका जो दर्द है ये हर किसी को झेलना पड़ता है। ये कहा गया है कि इनमें से महत्वपूर्ण कारण जो है आत्महत्याओं के, वो कहीं ना कहीं कौटुंबिक या पारिवारिक परेशानी, इम्तहान में फेल होना, प्यार के विषय के संबंधित मुद्दे, लव अफेयर जिसे हम कहते हैं, या मानसिक बीमारी। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हमें सबको एक साथ आना है। और मैं फिर से कहता हूं कि मेरा उद्देश्य यही है कि हमें समझे कि हमें मानसिक स्वास्थ्य को अपनाने की आवश्यकता क्यों है। तो क्या करें हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए? तो मानसिक स्वास्थ्य की व्याख्या 2-3 चीजें बताती है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, ये कैसे हम कहेंगे? पहली बात, उस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं की पहचान हो कि मेरे में क्या अच्छी चीजें हैं, क्योंकि कम अच्छी चीजें तो हर किसी में है, लेकिन मुझ में क्या अच्छी चीजें। दूसरा, जिंदगी की परेशानियों को मैं हैंडल कर पा रहा हूं, मैं सामना कर पा रहा हूं। जिंदगी की परेशानी कभी नहीं जाएगी, वो तो रहनी ही रहनी है। सवाल है क्या हम में वो क्षमता है कि हम उसको सामना कर पाए और हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर पाए, हमारे हाथ से कुछ महत्वपूर्ण काम हो। और लास्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज की परिस्थितियों में मिसिंग है, वो है कि मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूं। मानसिक रूप से स्वस्थ तभी कहलाएगा जो सिर्फ खुद के बारे में ना सोचते हुए समाज के बारे में सोचेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें यह याद रखना है कि मानसिक बीमारी नहीं है मतलब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ, ऐसा नहीं। मानसिक रूप से स्वस्थ होना मतलब मेरे अंदर पॉजिटिव चीजें होना, मेरे अंदर नए नए कौशल होना, मेरे अंदर समाज के लिए मदद करने की भावना होना। ये जब होगा तब हम कह सकेंगे कि मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूं। तो सिर्फ बीमारी नहीं है मतलब मैं स्वस्थ हूं, ये व्याख्या अधूरी है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, घर में, क्या उनमें दिन ब दिन नई नई पॉजिटिव चीजों की बढ़ोतरी हो रही है? क्या उनमें नए नए कौशल आ रहे हैं? क्या उनके स्वभाव में नई नई पॉजिटिव चीजें जुड़ रही है क्या? ये जुड़ना मतलब बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। और हम देख पा रहे हैं कि COVID-19 में ये कहा गया है कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत ज्यादा पाई गई है। तो हमने कोविड ने हमको ये भी समझा दिया कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक नहीं है, तो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। पेपर में कई उदाहरण आए कि कैसे 80 साल की वृद्ध महिला ने, 90 साल के वृद्ध महिला ने कोविड होने के बावजूद वो डटकर सामना किया और उससे बाहर आई। ये क्यों हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से सक्षम थी। तो बच्चों, इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से एक संदेश आपके लिए है कि हमें दिन ब दिन कोशिश करनी है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, लेकिन हमें मानसिक रूप से भी सक्षम होने की आवश्यकता है। तो शरीर और मन दोनों को सक्षम बनाने की आवश्यकता हम में है। अभी मैं थोड़ा सा आता हूं जो कि ये इस कार्यक्रम में स्कूल के अधिकारी भी जुड़े हैं, स्कूल के शिक्षक भी जुड़े हैं। आजकल मैं कई सारे वर्कशॉप करता हूं तब एक सवाल पूछता हूं शिक्षकों को, आपके स्कूल का क्लाइमेट कैसा है, आपके स्कूल का वातावरण कैसा है, आपके स्कूल का माहौल कैसा है? तो कई शिक्षक कहते हैं, सर हमारे स्कूल का क्लाइमेट तो बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ पेड़ है,
हमारे यहाँ क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, हमारे यहाँ एसी है, हमारे यहाँ ये है। मैं कहता हूँ ये है, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल क्लाइमेट का मतलब है स्कूल का माहौल, और स्कूल के माहौल में सिर्फ ये चीजें नहीं आती, स्कूल के माहौल में आता है कि आपके स्कूल के बच्चे कितने खुश हैं, आपके स्कूल के बच्चे अपनी परेशानी कितनी खुल के बताते हैं, आपके स्कूल के बच्चे स्कूल से अपने शिक्षकों से कितना प्यार करते हैं, आपके स्कूल के बच्चे कितने सकारात्मक रवैये से काम करते हैं, इसको कहते हैं स्कूल क्लाइमेट। तो सभी शिक्षक ध्यान रखें कि स्कूल क्लाइमेट कैसा है, मेरे क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, इस चीज का भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पर एक सुंदर छोटा सा घर है और उसके सामने पूरा परिवार खड़ा है। परिवार में बच्चे हैं, माँ पिताजी है, दादा दादी है, ये एक खुश परिवार है। तो मैं हमेशा पूछता हूं अभिभावकों को, आपके घर का क्लाइमेट कैसा है, माने आपके घर का माहौल कैसा है। तो घर का माहौल का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। ये देखा गया है जिस घर में गाली गलौच होती है, जिस घर में झगड़े होते हैं, जिस घर में नशा होता है, जिस घर में लोग एक दूसरे के साथ अपनापन नहीं दिखाते, उस घर में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरे घर का माहौल कैसा है मतलब फर्नीचर कितना महंगा है नहीं, फ्लोरिंग कितने लाख की बनाई वो नहीं, वो है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन हर अभिभावक ने हमें पूछना चाहिए खुद को एक सवाल, मेरे घर का क्लाइमेट कैसा है, मेरे घर का माहौल कैसा है। तो आज के बाद ये सवाल हर किसी ने पूछना है। बच्चों की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है, अपने माँ पिता जी दादा दादी हमें इतना प्यार करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि घर का माहौल हम अच्छा बना के रखें। और सभी के लिए आज मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, सवाल है मेरे घर में लोकतंत्र है कि नहीं। मतलब क्या, हर किसी के बात को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि नहीं, आप मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन घर का माहौल ऐसा होना है कि हर किसी को अपने दिल की बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तो बच्चों, अपने माँ पिताजी दादा दादी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, तो हमें भी उनकी बात को इम्पोर्टेंस देना है, वो उनको भी हमें मदद करने की आवश्यकता है। घर का माहौल ऐसा रखे कि जहां पे लड़का लड़की दोनों को सेम इम्पोर्टेंस मिले। मैं कहता हूं मेरे प्रोग्राम्स में कि लड़कों को भी प्याज काटने के लिए दीजिए, लड़कों को भी लहसुन छिलने के लिए दीजिए। क्यों? जब वो प्याज छिलेगा तब उसको पता चलेगा कि मेरी माँ खाना बनाती है तो कितनी तकलीफ का सामना करती है, तब वो उसके प्लेट में जो खाना आता है उसकी वैल्यू समझेगा, जब उसके आंखों से आंसू आएंगे वो प्याज के वजह से। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को महत्व देना है और हर व्यक्ति को अपनी बात सामने रखने का मौका मिलना है। घर का हर व्यक्ति, फिर वो एक दिन का बच्चा हो या 80 साल के दादा हो, सभी को घर में इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना है, क्योंकि लोकशाही है, लोकतंत्र है कि नहीं? तो कितने कनेक्टेड है बच्चे स्कूल से, कितने कनेक्टेड है अभिभावक स्कूल से, कितने कनेक्टेड है। आपको मैं बताना चाहता हूं, स्कॉटलैंड करके जो देश है वहां पे स्कॉटिश स्कूल्स पेरेंटल एक्ट 2006 बना है, मतलब अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने के लिए एक्ट बना है। मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि स्कूल से जुड़े रहे। जुड़ना मतलब क्या, स्कूल में आना, शिक्षकों को मिलना, प्रिंसिपल को मिलना, इससे क्या होता है, बच्चों के पढ़ाई पे इसका सकारात्मक असर होता है। बच्चों को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अभिभावक भी मेरे साथ हैं।
लेकिन दुर्दैव से आज ऐसा हुआ है कि अभिभावकों को बुलाने से भी स्कूल में नहीं आते, ऑनलाइन प्रोग्राम में नहीं जुड़ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सकारात्मक रूप से स्कूल से जुड़ेंगे तो इसका असर बच्चों के पढ़ाई पर भी होता है। दूसरी बात, बच्चों बच्चों को कनेक्ट होने दें। हम ये कहते हैं कि COVID-19 की परिस्थिति में बच्चे एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, तो अभिभावक उनको अपने दोस्तों के साथ बात करने का मौका दे, उनको वीडियो कॉल से बात करने का मौका दे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि उनके सर पर बैठ के उन पे वॉच रखे, फिर बच्चों को लगेगा कि हमें फ्रीडम नहीं है। तो बच्चों को जब फ्रीडम देते हैं तो कभी उनको फ्रीडम की वैल्यू भी धीरे धीरे पता चलती है कि अगर मेरे माँ पिताजी मुझे इतना फ्रीडम भी दे रहे हैं तो मुझे भी जिम्मेवार व्यक्ति होने की आवश्यकता है। तो हम साक्षरता की बात करते आए हैं, है ना? साक्षरता वर्ड हमारे लिए बहुत परिचित है। पहले जब मैं स्कूल में था तो साक्षरता मुहिम भी चली थी, भारत साक्षरता मिशन। तो हमें काम दिया जाता था कि जो निरक्षर है उनको हम साक्षर बनाए। अब वक्त आ गया है कि हमें भावनिक रूप से साक्षर बने, क्योंकि ये देखा गया है कि शैक्षणिक रूप से तो साक्षर है, पढ़ाई लिखाई में तो साक्षर है, लेकिन वो मानसिक रूप से साक्षर नहीं होते। तो मानसिक रूप से साक्षर होना क्या मतलब? क्या अपनी भावना दूसरों को व्यक्त कर पाना, ये भी साक्षरता है। दूसरों की भावना समझ पाना, ये भी साक्षरता है। दूसरों के भावना की कद्र करना, ये भी साक्षरता है। तो सभी माँ पिताजी को, अभिभावकों को मेरा निवेदन है कि बच्चों को भावनात्मक रूप से साक्षर बनाए, बच्चों को महत्व समझाए दूसरों की भावनाओं की कद्र करने की। और यह कब होगा? जब आप दूसरों की भावनाओं की कद्र करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे आपसे। तो वक्त आ गया है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई की साक्षरता आवश्यक नहीं है, भावनात्मक साक्षरता भी आवश्यक उतनी ही है। हमारे स्कूल में डाइवर्सिटी है, हमारे स्कूल में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, किसी में विकलांगता है, दिव्यांगता है, कोई बच्चा गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है, कोई उच्च जाति का है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें उन सबको हमारे साथ लेके चलने की आवश्यकता है। तो सभी शिक्षकों को मेरा निवेदन है और सभी बच्चों को मेरा निवेदन है कि हमारे साथ में हमारे जो दोस्त हैं, हर किसी के जिंदगी में कोई समस्या हो सकती है, कोई चैलेंजेस है, हमें किसी के कमी पे हंसना नहीं चाहिए, हमें सबको अपने साथ लेके चलने की आवश्यकता। और इस साल का जो थीम है वो यही है कि मेंटल केयर फॉर ऑल, हम सभी को सहारा दे, सभी को मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य की मदद हम देने की कोशिश करें। तो ये हमें भूलना नहीं है कि हमारे स्कूल में अलग-अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि इसमें एक दिव्यांग बच्चा भी है जो व्हीलचेयर पे है, लेकिन वो उतना ही खुश है और सभी बच्चों के साथ वो खेल रहा है, ठीक है? तो हमें याद रखना है कि सभी को हमें साथ लेके चलना होगा। दूसरी एक बात मैं खास करके स्कूल्स और अभिभावकों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों का लैंगिक शोषण से हमें बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि लैंगिक शोषण से बचा होगा तो ही वो स्कूल जो है सेफ स्कूल कहलाएगा, तो ही वो घर सुरक्षित घर है। और जब तक लैंगिक शोषण से बच्चों का बचाव नहीं होगा, तब तक बच्चे पढ़ाई लिखाई में या करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं होते। तो हमें बच्चों को लैंगिक शोषण के बारे में अवेयर करने की आवश्यकता है, मानसिक स्वास्थ्य में इसका बहुत योगदान होता है। करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अभिभावकों को आवश्यक है कि करियर गाइडेंस की जानकारी रखे, क्योंकि जिस घर में, जिस स्कूल में करियर गाइडेंस के कार्यक्रम नहीं होते, वहां के बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं,
क्लियर नहीं होते, चिंता में रहते हैं। सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जिंदगी में एक ही ऑप्शन लेके कभी नहीं चलना, हमेशा तीन या उससे ज्यादा ऑप्शंस अपने साथ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमें सक्सेस नहीं देती। सचिन तेंदुलकर हमेशा नहीं सेंचुरी बनाता था, विराट कोहली हमेशा सेंचुरी नहीं बनाता था, पीवी सिंधु हमेशा नहीं जीतती है, लेकिन उनको क्या पता है कि हारने के बाद भी कैसे जीता जाता है। तो करियर में जो भी आगे पहुंचे हैं उनसे आप बात कीजिए। आज इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो भी आपको लगता है करियर में आगे बढ़ा है उसके साथ कम से कम एक घंटा बात करें, उनको पूछे क्या आपके करियर में भी कभी दिक्कतें आई थी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 लोगों से बात करेंगे तो 100 के 100 लोग कहेंगे कि हाँ मुझे भी फेल्योर आया था, मुझे भी हार मिली थी। इसका मतलब क्या कि कोई भी जो आपको लगता है सक्सेसफुल है वो बिना फेल्योर के आगे नहीं आया। तो करियर की जानकारी आप रखें, अलग अलग ऑप्शंस अपने पास रखें, कभी भी एक ऑप्शन से जिंदगी नहीं चलती। स्कूल्स को भी मैं बताना चाहता हूं, हर शिक्षक को, आप कहेंगे ये तो काम साइकोलॉजिस्ट का है, नहीं, हर शिक्षक अपने जिंदगी की स्टोरी भी शेयर करेगा बच्चों के साथ करियर की, तो भी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं शिक्षकों को कि आप उसके जिंदगी के एक बहुत अहम किरदार है, वो बच्चे कहते नहीं लेकिन आपका उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अब ये देखिए, बी सेल्फ कंपैशनेट। राइट साइड में एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट के चेहरे पे एक्सप्रेशन ये है कि वो खुद को ही हक कर रही है, और लेफ्ट साइड में मैंने जो पीपीटी पे लिखा है उसमें लिखा है आई लव मी। जनरली हम शब्द सुनते हैं आई लव यू, माँ बच्चे को कहती है कि मेरा तुम पे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पापा बच्चे से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिक्षक कहते हैं कि बच्चों हम आपसे प्यार करते हैं, हमारा आप पे स्नेह है। आप भी औरों को कहते हो, लेकिन कभी आप ये भी सोचो कि हम दुनिया को प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम उतना प्यार खुद को करते हैं? तो जरूरी है इस दुनिया में कि हम सबको प्यार करें लेकिन खुद को साइड में ना रखें, हमें खुद को भी प्यार करना आना चाहिए। इसीलिए ये शब्द मुझे विश्वास है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। आई लव यू तो सुना था, आई लव मी यानी मैं औरों को प्यार करता हूं, वैसे ही मैं मुझे भी प्यार करता हूं। मुझ में जो कमियां हैं, मुझ में जो अच्छी चीजें नहीं है, उसको भी मैं प्यार करके उनको मैं बदलने की या उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसा कैसा भी हो, जैसे कैसी भी हो, मैं खुद को प्यार करती हूं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और यही बात अभिभावकों ने बच्चों में भी डालनी चाहिए कि तुम्हारे मार्क मतलब हर चीज नहीं है, तुम में बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से हम आपको प्यार करते हैं। तो आगे का सेंटेंस है इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। अगर आप ओके नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हर बार ओके होने की जरूरत नहीं है, कभी कभार हम नॉट ओके भी चलता है। कोई भी इस दुनिया में 100% ओके नहीं है, आप विश्वास रखो, बात करके देखो, कोई भी नहीं है। जो ओलंपिक मेडल विजेता है, नोबेल लॉरियट्स है, उनसे बात करके देखो, वो भी कहेंगे कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये खामी है और इसको मैं बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और अभिभावकों को मैं बताना चाहता हूं, COVID-19 की परिस्थिति में बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, अभिभावकों की एक्टिविटी कम हो गई है। ये देखिए बच्चों का खेलते हुए पिक्चर। रिसर्च ये कहता है कि जो बच्चे खेलते हैं उनके ब्रेन में निगेटिव भावनाएं कम आती है,
जो बच्चे खेल में शामिल होते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं, उनके ब्रेन में निगेटिव भावनाएं कम आती है और उनमें भावनिक समस्याएं कम दिखाई देती है। तो अभिभावकों को मेरी रिक्वेस्ट है, आपको भी एक्सरसाइज की जरूरत है, आप भी वॉक करें, खेले, बच्चों के साथ खेले, क्योंकि अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा। और ये आगे का स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। और इसका स्लोगन है, गुड फूड इज इक्वल टू गुड मूड। अच्छा खाना जो खाएगा उसका मूड भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार शिक्षकों को अभिभावकों को लगता है कि ये बच्चा जो है जानबूझ के पढ़ नहीं रहा, लेकिन दिक्कत तो यह है कि उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। और न्यूट्रिशन की कमी क्यों है? खाना तो है घर पर, कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है वो पता नहीं। तो हमारे डॉक्टर मीनाक्षी रेगन, हमारे न्यूट्रिशन बैकग्राउंड के एक फैकल्टी है, वो बहुत एक सिंपल चीज में समझाते हैं। वो कहते हैं, देखिए स्लाइड पे जो मैंने खाना रखा है उसमें कितने कलर है। एक सिंपल ध्यान रखे कि आज सुबह से लेके शाम तक मैंने जो भी खाना खाया है, क्या मैंने अलग अलग कलर का खाना खाया है? मैंने केले खाए हैं तो सफेद रंग के, मैंने अनार खाया तो रंग अलग, मैंने जामुन खाया तो रंग अलग, मैंने आम खाया तो रंग अलग, मैंने रोटी खाई तो रंग अलग, मैंने मक्के की रोटी खाई तो रंग अलग, मैंने चावल खाया तो रंग अलग। इसका मतलब क्या? हमें अलग अलग रंग का खाना हमारे खाने में इंक्लूड करना है। अभिभावकों को मैं बताना चाहता हूं, सभी बच्चों का वजन, ऑलमोस्ट कई बच्चों का वजन बढ़ गया है इस पैंडेमिक के टाइम में। एक्टिविटी नहीं है, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, इस वजह से। ऐसा ही नहीं, अभिभावकों को भी ये दिक्कत सामने आ रही है ओबेसिटी की। तो सभी एक्सरसाइज करें, खेले और खाना बढ़िया खाए। बढ़िया मतलब पिज्जा बर्गर नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हो नहीं, कभी कभार ऑर्डर किया कोई बात नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज की तारीख में कम पैसे में भी हम बढ़िया सब्जी खरीद सकते हैं। कोई महंगा फ्रूट्स लाने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए केजी। आज के तारीख में जो फल सबसे सस्ते मिलते हैं वो खाइए। आज की तारीख में कौन सा सस्ता मिल रहा है? सेब फल सस्ते हैं, केले सस्ते हैं, तो जो सस्ता फल है वो खाए। ध्यान रखे कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। कई सारे बच्चे चिड़चिड़ापन इसलिए करते हैं, गुस्सा इसलिए करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। तो दुर्दैव से भारतवर्ष में स्कूल के माध्यम से न्यूट्रिशन विषय को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। बाहर की कंट्रीज में तो स्कूल में डॉक्टर और नर्स भी होती है। तो हमें आवश्यक है कि हमें न्यूट्रिशन विषय को भी महत्व देने की जरूरत है। अब देखिए, आपके सामने मैं एक चित्र पेश कर रहा हूं। ये मनोविज्ञान में इल्यूजन के नाम से प्रसिद्ध है। कोई मुझे बताएगा कि इसमें दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति कौन है? अभिभावक या बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, कौन दिख रहा है आपको इस चित्र में? कोई बच्चे या कोई अभिभावक कोशिश करना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूं कि इस चित्र में दो व्यक्ति कौन है। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो एक यंग लेडी दिख रही है, जिसका चेहरा उस तरफ है और उसने एक कैप पहनी हुई है, और उसी चित्र में एक वृद्ध महिला भी है, बूढ़ी औरत भी है उस चित्र में, जो नीचे देख रही है। तो इस चित्र को साइकोलॉजी में इल्यूजन कहते हैं। इसमें से हमें एक पता चलता है कि चित्र एक ही है, देखने का नजरिया अलग हो सकता है। मैं आपको ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं कि कोविड-19 की परिस्थितियां आई है,
कई फैमिलीज में दिक्कतें हैं, कई फैमिलीज में चिड़चिड़ापन है, लेकिन इस COVID-19 की परिस्थिति का कई फैमिलीज ने बहुत अच्छा उपयोग भी किया है। कई बच्चों ने नया इंस्ट्रूमेंट सीखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कई बच्चों ने नया डांस सीखा है, कई बच्चों ने तो रेसिपी बनाना सीखा है। मैं मेरे एक कलीग है, उनके घर पे जाता हूँ तो उनका बेटा, जैसे ही मैं घर जाता हूँ तो पूछते हैं कि आपको हम कॉफी बनाएंगे और कॉफी मेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि वो इतना बढ़िया कॉफी बनाना सीखा है। तो ये COVID-19 पैंडेमिक की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई के कई जो कच्चे एरिया थे उसको स्ट्रांग किया है। तो परिस्थिति कैसी भी है, परिवार को सीखना चाहिए कि इस परिस्थिति को भी हम पॉजिटिव कुछ ना कुछ सोचे, तो इसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी बाहर आया है। तो मेरी आप सभी को इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शुभकामनाएं हैं। और आखिर में मैं और एक चीज कह के मेरी बात रोकूंगा कि आजकल हम मेंटल फिजिकल डाइट के बारे में तो अवेयर हो रहे हैं जब से COVID-19 आया है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। सवाल है कि अब फिजिकल डाइट के साथ साथ हम मेंटल डाइट की भी बात करें, माने मैंने मेरे दिमाग को क्या क्या खाना दे रहा हूं, यानी मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या सोचता हूं क्या करता हूं, मैंने कितने लोगों के बारे में अच्छा सोचा, मैंने कितने लोगों को मदद की, मेरे में आज स्वभाव में आज कौन सी पॉजिटिव चीज आई। तो जैसे हमारा फिजिकल डाइट अच्छा होना है, हमारा मेंटल डाइट भी अच्छा होना है। तो मैं फिर से सभी अभिभावक शिक्षकों और बच्चों को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और हम सबको कोशिश करनी है कि ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, ये सभी के लिए एक अच्छी जगह बने, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पंछियों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए। तो यही पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत ही प्रेरक संबोधन आपने हमारे बच्चों को दिया। और आगे के लिए मैं दिनेश सर को आमंत्रित कर रही हूँ कि दिनेश सर आभार प्रदर्शन का दायित्व जो है आज निभाएं। श्री दिनेश सर। हेलो। धन्यवाद मैम, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है और अभी अगर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में हम लोग बहुत समय तक घरों में कैद रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आया है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के जो प्रमुख वक्ता हैं श्री नीलेश शिंदे सर, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता, उसकी महत्वता और उसको बनाए रखने के लिए जो उपाय बताए हैं वो सभी अभिभावकों के लिए और सभी बच्चों के लिए और इवन हम सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और सर ने इतने अच्छे शब्दों में और इतने सरल शब्दों में अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर पिक्चर्स के माध्यम से ये हमें सब कुछ बताने की कोशिश की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर पूरे तरह से सफल भी रहे हैं, सभी बच्चों को अच्छे से वो चीज़ समझ में भी आई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगा हमारी प्राचार्य महोदया श्रीमती नीलम मालवीय मैडम जी का, क्योंकि अगर मैम इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद ये कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाते। मैम आज यहाँ पर विद्यालय में मौजूद हैं जबकि विद्यालय बंद है, लेकिन फिर भी मैम ने इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की गंभीरता को समझते हुए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है, तो मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले धन्यवाद ज्ञापन के संदर्भ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सभी अभिभावकों का, सभी बच्चों का, क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रजापति मैडम का उनके अथक प्रयास से, और उन्होंने ही इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की और अभी इस कार्यक्रम को जो बांध के रखा गया है तो वो मैडम के द्वारा ही रखा गया, तो प्रजापति मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी शिक्षक साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को अटेंड किया। हमारे गूगल मीट में
क्लास 12th के बच्चे भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद, अभिभावकों का भी विशेष धन्यवाद। और YouTube पर भी ये कार्यक्रम लाइव है, तो जो व्यूअर्स हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं YouTube के माध्यम से, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों के लिए विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम की जो गंभीरता है उसको समझते हुए इसको सफल बनाएं और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बहुत ध्यान दें। धन्यवाद। सर, आज जो केंद्रीय विद्यालय द्वारा नौ निहालों के लिए इस पैंडेमिक पीरियड में जो कार्यक्रम किया गया सर निफ्सिट की तरफ से, वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए नीड ऑफ टाइम। आज के दौर में हमारे बच्चे देखा है कि हमारे बच्चे लगातार कहीं ना कहीं जो फिजिकली जो कॉन्टेक्ट होता है उससे दूर होते चले जा रहे हैं, जो ऑनलाइन में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज की जो सर जो ट्रेनिंग ली गई घंटे की, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी सर, ना सिर्फ गार्जियन के लिए बल्कि स्पेशली हमारे स्टूडेंट के लिए। सर, तो ज्यादा वक्त में रहते मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस सफल आयोजन के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, आपकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम का समापन करें। हाँ, तो इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।